गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एंड आज का आपका टॉपिक है सैनिक स्कूल एग्जाम, जो कि 7 फेब को आपका फिक्स हो चुका है, एडमिट कार्ड आपका लाइव हो चुका है, क्लियर। उसके लिए आपको बताता हूं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए अगर आप इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो 50 मार्क्स का आपका इंटेलिजेंस आएगा, मीन्स रीजनिंग, एंड 50 मार्क्स का आपका रीजनिंग होगा दोनों क्लास में। उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, मीन्स 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। एंड आपको पता हो तो सभी सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्लूड होंगे आपके मेरिट में, तो मीन्स आपका रीजनिंग भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आज आपके लिए रीजनिंग के रमेश सर आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आए, तो 1 बाय 1 करके सोल्यूशन करवाएंगे। उसके पहले आपको वीडियो पॉज करके आपको सोल्व करना है, फिर आपको आंसर मैच करना है, एंड कमेंट बॉक्स में आपको अपना नेम एंड आपके मार्क्स कितने आपके करेक्ट आंसर है, मीन्स जितने भी आपके 14 करेक्ट है तो 28 मार्क्स हो गया आउट ऑफ 50, एंड आपके अगर 20 क्वेश्चन करेक्ट है तो 40 मार्क्स हो गया आउट ऑफ 50। तो टोटल 25 क्वेश्चन है, मीन्स 50 मार्क्स का है, एंड आप सभी को देखना अच्छे से। एंड चलो सर आपको करवाते हैं वीडियो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक का आपको पूरा वीडियो देखना है जिसमें, ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आपको स्किप नहीं करना है। चलिए हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखो। हाँ, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अपने यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास देखो 2, 1, 1/2 और 1/4 दिया हुआ है। आपके पास यहाँ पे जो ब्लैंक क्वेश्चन मार्क है आपसे पूछा गया है यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपके पास 2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 1 को फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जो 1/2 है उसको फिर से हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास 1/4 आ जाएगा, यहाँ तक आपके पास दिया हुआ है। फिर हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, वो का हो आपके पास 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा आपके पास 1/8 इसका आंसर आ जाएगा, और आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है अपने पास एनालॉजी का, जिसमें आपके पास दिया हुआ है कॉलेज, स्टूडेंट एंड हॉस्पिटल। तो आपको पता है कि कॉलेज में जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं, तो हॉस्पिटल में कौन होगा अपने पास वहां पे, तो अपने हॉस्पिटल में होंगे पेशेंट, ठीक है। तो आपके हॉस्पिटल में आपका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे आपका डी आपका राइट आंसर होगा, और आपके हॉस्पिटल में कौन रहेंगे, पेशेंट आपके हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें ये क्वेश्चन अपना ब्लड रिलेशन का, ठीक है। इसमें बोला गया है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अंजलि सेड, ठीक है, एक फोटोग्राफ है, ठीक है, उसकी ओर पॉइंट करते हुए अंजलि बोल रही है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो देखो इधर देखो आप लोग, आपके पास एक फोटोग्राफ है, ये रहा आपका फोटोग्राफ, ठीक है, ये आपका एक फोटोग्राफ है, ठीक है। इसने बोला है, कौन बोल रही है आपकी, अंजलि, अंजलि बोल रही है, अंजलि शेर, अंजलि बोल रही है कि he is the son of the only son of my grandfather, अंजलि के जो grandfather है, अंजलि के जो grandfather है उनके जो son है, only son मतलब एकमात्र पुत्र, ठीक है, only son है उनका, only son, ये जो आपकी फोटो में दे रखा है ये उनका only son है, ठीक है। तो इसमें बोला गया जो अंजलि के जो grandfather है, ठीक है, उनका son, only son मतलब अंजलि के father, और अंजलि के father का जो है ये कौन है जो फोटो में दिया हुआ ये son है, तो अंजलि के father का son होगा तो वो अंजलि का क्या लगेगा, ये आपसे इसने पूछा, इसने पूछा है हाउ द मैन इज रिलेटेड द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि, ठीक है, हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अंजलि, तो जो आपके फोटो में दिया हुआ है वो अंजलि का कैसा रिलेशन है, अंजलि का क्या लगेगा, तो ये जो फोटो में दिया हुआ अंजलि का क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो ये अपना क्वेश्चन है वैन वाला, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास रिलेशन बताना है इसमें, ठीक है, और आपके पास दिया हुआ ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। तो देखो ऑथर, ऑथर का मतलब होता है आपके पास लेखक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, लॉयर आपको पता है वकील होता है, और सिंगर जो आपके गाने गाते हैं या फिर उसको जो सॉन्ग कंपोज करते हैं आपके कौन हो गए, सिंगर हो गए, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास देखो आपके ऑथर, लॉयर एंड सिंगर, ये तीनों क्या होते हैं, इनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ये एक दूसरे से इंक्लूड नहीं होते। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको देखते ही आंसर पता होना चाहिए आपका क्या आंसर आएगा। तो देखो इन्होंने इसके साथ में आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आपका कौन सा लेटर आएगा आपसे ये पूछा गया है। तो देखो आपके पास, हम लोग सभी में देखते हैं, तो यहां से किसी में देख लो, देखो आई आर यहाँ पे दिया हुआ है, आई आर, ठीक है, वहां पे दिया हुआ आपके पास एक्स सी एन एम। तो आप लोगों ने इनका जो रिलेशन देखो, ये एक दूसरे के, अगर हम लोग अल्फाबेट की बात करें तो ये अपोजिट अपने अल्फाबेट है, ठीक है, अगर हम अल्फाबेट में बात करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, यहाँ पे सारा ये का ही है, बी वाई ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, आपका एन एम एक दूसरे के अपोजिट आता है, डी डब्ल्यू अपोजिट आता है, जी टी अपोजिट आता है और जे क्यू अपोजिट आता है। तो आपके एल के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये आपको सभी को पता होगा कि एल के अपोजिट आपका ओ आता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे अपने, जिसमें आपके पास बोला गया है कि लुक एट द सीरीज 1/9, 1/3, 1 और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो आपके पास दिया हुआ 1/9, ठीक है, आपके पास कितना दिया हुआ है, 1/9 दिया हुआ है। तो 1/9 को क्या किया हमने, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और 1/3 को हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को हम लोग फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितना आएगा, 3 आएगा, और हम लोग 3 को अगर फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो आपके पास वहां पे देखो 1/9 भी दिया हुआ है, 1/3 भी दिया हुआ है और 9 भी वहां पे आपके पास पहले से पुट अप किया हुआ है। जो आपका बीच में जो नंबर बचा, जो मिड में जो ब्लैंक है वहां पे क्वेश्चन मार्क है, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या होगा, वहां पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो इसमें आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपका कौन सा नंबर रिप्लेस हो गया, कौन सा नंबर आएगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे हम लोग अगर 7 और 3 का सम करें, ठीक है, अगर इनका सम करें तो 7+3=10, ठीक है, और इनको 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया, आपके पास यहाँ पे 5 आ रहा है। आगे वाला देखो 8+6=14/2, तो कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। नेक्स्ट देखो आपके पास दिया हुआ है 2+10=12/2, तो कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। अब आपके पास लास्ट है यहाँ पे जिसको अपने को आंसर निकालना है, तो आपके पास दिया हुआ है 4+2=6, तो 6/2=3, 3 आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इसमें आपके पास बोला गया कि इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं, इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखो सबसे पहले आप इसमें देखते ही आपको पता लगेंगे सर नॉर्मल कितने ट्रायंगल है इसमें। तो नॉर्मल ट्रायंगल हमने पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फिगर दिया हुआ हो और इसमें आपके पास आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, तो आपके इसमें ट्रायंगल कितने होते हैं, 8 ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह का आपके पास एक फिगर तो ये रहा और एक ये रहा, दो है आपके पास, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 8×2=16, तो आपके पास ट्रायंगल इसमें ऑलरेडी हो गए। अब देखो आपके पास दिया हुआ है 1, 2 and 3, तो इसमें देखो 1, 2, तो इसमें कितने हो गए, एक टोटल हो, कितने हो गए, 3 हो गए इसमें ट्रायंगल, इसमें 3 और इसमें भी 3, तो आपके पास कितने हो गए, 3×3=9, 9 ट्रायंगल ये हो गए आपके पास। अब देखो आपको और कितने ट्रायंगल है इसमें वो आपको बताने हैं, तो पहले तो इनका हम लोग सम कर लो कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास 25 ट्रायंगल्स आ गए। अब चलते हैं हम लोग आगे, तो देखो
आपका एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका ये वाला, तो टू ट्रायंगल्स ये हो गया आपके पास प्लस टू। और इसमें आगे और देख लो, आपके पास एक, आपके पास जो है ट्रायंगल ये रहा वन ट्रायंगल, और वन ट्रायंगल आपका ये रहा, तो आपके पास प्लस टू और हो जाएगा, टोटल आपके पास जो ट्रायंगल्स होंगे वो आपके पास कितने होंगे वहां पे 29। तो आपके जो इसमें ट्रायंगल्स जो होंगे आपके नंबर ट्रायंगल्स नंबर जो आपके जितने भी होंगे वो होंगे इसमें 29 ट्रायंगल्स इसमें आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो इसमें बोला गया सिलेक्ट द स्टेबल, मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, और मैट्रिक्स में पूछा गया है कि आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा इनमें से आएगा। तो देखो आपके पास इधर देखो, मैं इस तरह में बना रहा हूं इसको, ठीक है, आप लोग देखना जैसा अपने पास वहां बना हुआ, हम लोग यही बना लेते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है, फिर प्लस में उन्होंने क्या किया कि क्रॉस और इन्होंने बना दिया। क्रॉस बनाने के बाद जैसे नेक्स्ट हम लोग अगले वाले जो अपना कॉलम है उसमें गए, तो हमने इस क्रॉस को यहां से इन्होंने रिमूव कर दिया, और जो प्लस पहले था यहाँ पे आ गया, और इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिए, डॉट बना दिए, ठीक है, डॉट बना दो या फिर सर्किल बना दो ही मान लो, इन्होंने यहाँ पे बना दिए। अगला क्वेश्चन अपना इसमें देखो, यहाँ पे आपके पास एक जो है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर है वो दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया इसके अंदर आपने क्रॉस बना दिया इसमें, ठीक है, और आगे जाके उसी क्रॉस को वापस रिमूव कर दिया, और इसके चारों ओर आपके पास जो है फोर इसमें सर्किल या फिर आपसे डॉट बोल सकते हैं इसने बना दिए। अब नेक्स्ट में भी देखो आपके पास इस तरह से बना हुआ आपका, इन्होंने क्या किया इसमें वही जैसे बना हुआ था, इन्होंने क्या किया इसमें क्रॉस कर दिया इसको, इस तरह से इन्होंने क्रॉस का निशान बना दिया। फिर उन्होंने क्या किया क्रॉस को वापस रिमूव कर दिया, आपके पास आया क्या जो अपने स्टार्टिंग में था वो का वही वापस आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इसके आपके चारों यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया डॉट या फिर आप सर्किल बोल दो उन्होंने यहाँ पे बना दिया। तो आप लोग मैच कर लो कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है सेकंड नंबर का है जो आपको इससे मैच कर रहा है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, या फिर सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में अपने, ठीक है, इसमें देखो आपके पास एक डाइस दिया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि आपका जो अक्ष है, ठीक है, आपका जो अक्ष है उसके अपोजिट इनमें से कौन सा आएगा। तो देखो सबसे पहले इसको करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे अक्ष दिया हुआ है तो जो भी अक्ष के टुगेदर आपको सेम मतलब सामने दिखाई दे रहे हैं ना वो तो इसके साथ में कभी भी नहीं होंगे, इसके अपोजिट कभी भी नहीं होंगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है स्टार, और स्टार के टुगेदर में देखो कौन सा है यहाँ पे एट द रेट आपके पास एक, तो दूसरा आपके पास क्या है माइनस है। अगले में देखो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है और इसके टुगेदर में आपके एट द रेट और प्लस है, तो प्लस भी इसके टुगेदर में आ गया। नेक्स्ट में चलो अपने पास यहाँ पे देखो स्टार दिया हुआ है, इसके साथ में डॉलर है और इसमें प्लस है, तो आपके जो डॉलर का सिंबल है वो भी इसके जो अपोजिट नहीं होगा। अब आपको पता है कि इस तरह का अगर आपके पास कोई भी जो डाइस दिया हो उसमें आपके पास सिक्स सरफेस होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो आपके पास 5 थे उनमें तो आपको पता चल गया कि आपके 5 में तो आप ये होंगे। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपके इसके अक्ष के जो है टुगेदर नहीं है, तो जो भी इनमें से अक्ष के टुगेदर नहीं आ रहा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपके पास क्या बचा 8 बचा यहाँ पे, ठीक है, और जो आपका 8 होगा वो ही क्या आएगा अक्ष के अपोजिट आएगा, ठीक है, अक्ष के अपोजिट जो आएगा आपका कौन सा होगा 8 होगा, तो आपका जो 8 है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया, और यहाँ पे आपका सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने 11 नंबर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें आपको जो है स्क्वायर काउंट करने हैं, टोटल कितने इसमें स्क्वायर्स दिए हुए हैं ये आपको काउंट करने हैं। काउंट करने के लिए हम लोग 1 by 1 सभी काउंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपके पास ये वाला एक स्क्वायर है बड़ा वाला, ठीक है, बना हुआ है, तो और इसके जो इसके मिड में कितने 1, 2, 3 एंड 4, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 5 स्क्वायर्स तो ये हो गए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, तो ये वाला देखो आप ये बना हुआ आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये बना हुआ है, तो इसमें कितने आपके पास जो है इसके स्क्वायर्स है, तो इसमें देखो कितने आपके पास 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 स्क्वायर्स है आपके, तो ये लो आपके पास कितने आ गए 4 स्क्वायर इसके
आगे, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं यहां से काउंट करते हुए। देखो वन, फिर ये वाला टू, ये वाला थ्री, ठीक है, ये वाला फोर और ये वाला फाइव। तो आपके पास फाइव जो स्क्वायर से और आ गया यहाँ पे, ठीक है, फाइव आ गए। अब चलते हैं हम लोग ऊपर से, जो इधर वो चलेंगे हम लोग यहां से। देखो इनको काउंट किया हमने, वन टू, और ये तो अपने पास काउंट हो ही चुका, थ्री एंड फोर, ठीक है, फोर ये हो गया आपके पास। तो ये लो फोर आपके पास ये हो गया। तो ये आपके पास, इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें हमने काउंट नहीं किया, हमने सारे काउंट कर लिए। देखो हम लोग वन बाय वन करके एक बार और चेक कर लेते हैं। तो आपके पास जो ये बना हुआ था अपने पास बाहर वाला, इसमें आपके पास देखो वन तो ये था, वन टू थ्री फोर फाइव हो गए, फाइव अपने पास यहाँ पे आ गए। इसके अलावा हमने फिर जो आपके पास बीच में थे उसमें वन टू थ्री और फोर को हमने ले लिया। फिर हम लोग यहां से काउंट करेंगे तो वन, देखो ये वन, फिर ये वाला टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव ही हो गए। इसको हमने काउंट कर ही लिया, तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, फोर। और अपने पास टोटल जो अपने पास इसके स्क्वायर्स आएंगे वो अपने पास आएंगे कितने, 18। और 18 स्क्वायर आएंगे तो आपका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पे इसका सी, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन अपना देखो, ये अपना है जिसमें पेपर फोल्डिंग वाला है, ठीक है। आपके पास कोई शीट दी हुई है, उसको आपने फोल्ड किया है, फोल्ड करके इसके किस तरह का आपके पास जो है वो निकल के सामने आएगा। तो देखो ये आपका एक्स है, वन टू थ्री एंड फोर, ये इनके नंबर दिए हुए है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा होगा जो हम लोग अगर इसको यहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे, इधर की ओर फोल्ड करेंगे, तो कौन सी आपकी जो इसमें से जो दिख रहा पैटर्न वो बनेगा। तो देखो यहाँ पे देखो आपके पास ये दिया हुआ है, इसको हमने बीच में से फोल्ड करेंगे हम लोग। यहां से एक लाइन ड्रॉ की हुई है और ये लाइन ड्रॉ की हुई है। जैसे ही हमने इसको इसको उठा के और इसके ऊपर लेके आए, इसके ऊपर इसको हमने फोल्ड किया, तो हमारे पास जो बनेगा वो अपना इस तरीके से अपना जो है पैटर्न बनेगा, ठीक है। और ये वाला पैटर्न कौन से में है आप सभी को दिख रहा है, क्योंकि ये वाला आपका है फोर्थ नंबर में, तो आपको जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, ये लो आपके पास कटिंग वाला आ गया इसमें, कि आपके पास कट करके दिया हुआ है और फिर आपसे पूछा गया है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो पहले तो आप सभी इसको जो अपना वीडियो उसको पॉज करो, पॉज करके इसका देखो कि आपने इसको बना के देखो, फिर आगे देखना कि आपका राइट है या रॉन्ग है, ठीक है, उसको मैच करना। देखिए मैं इसको बता देता हूं, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ऊपर से फोल्ड किया और नीचे से इसको फोल्ड कर लिया और इस तरह से इसको बना लिया। फिर इन्होंने क्या किया, इसको यहां से भी फोल्ड करके ये अपने पास एक बिल्कुल छोटी सी एक शेप आ गई। इस शेप में इन्होंने क्या किया, यहां से ट्राइंगल में और यहां से इन्होंने एक जो है साइड में इनको कट कर दिया। अब देखो यहां से इसको फिर हम लोग वापस खोलेंगे, इसको जो अपने पास है उसको हम लोग, हमने इसे इसको फोल्ड किया था, हमने लेफ्ट से राइट कर फोल्ड किया था, तो हम लोग क्या करेंगे राइट से लेफ्ट कर इसको वापस खोलेंगे। तो खोलेंगे तो यहां पे आपका जो आएगा एक ट्राइंगल होगा और यहां पे आपका उस तरीके से कटा हुआ आएगा, ठीक है। ये आपके पास यहां पर दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे अपने पास ऊपर से हमने फोल्ड किया था हम लोग ऊपर खोलेंगे और नीचे की ओर फोल्ड किया था नीचे की ओर खोलेंगे, ठीक है, पहले हम लोग टॉप की ओर खोलेंगे फिर बॉटम की ओर खोलेंगे। हमने टॉप की ओर इसको वापस ओपन किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जैसे हमने बनाया था वैसा वैसा आएगा, यहाँ पे भी वैसा वैसा बनेगा, लेकिन जो आपके यहाँ पे ट्राइंगल दिए हुए हैं ये इनकी जो है ये उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके, उल्टे हो जाएंगे, देखो इस तरीके से आपके ट्राइंगल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इनको हम लोग नीचे की ओर खोलेंगे वापस, जब इन जब हमने पास हमने टॉप की ओर तो खोल लिया इसको, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको बॉटम की ओर वापस इसको खोलेंगे। तो आपके ये जो दिए हुए थे वो तो वैसे ही वैसे रहेंगे और बाकी जो आपके ट्रायंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी आके उल्टे हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने अपने जो वोटर इमेज था उसमें पढ़ा था, उस तरीके से ये उल्टे हो जाएंगे। तो आप लोग देखो इस तरीके का आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है और वो है सेकंड नंबर का, तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग अपने 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 भी चलते हैं। ये अपना जो सर्किल का क्वेश्चन है जिसमें आपको सर्किल में बिठाना है किस तरह से कौन बैठेगा, ठीक है, तो हम लोग देखो इसे बिठा के देख लेते हैं। आपके पास 8% दिए हुए हैं, ये आपका सर्किल है, ठीक है, इसमें आपके पास 8% दिए हुए हैं, तो हम लोग उसको बिठाने के लिए जगह ले लेते हैं, किसको कहाँ बिठाना है।
ये आपके 8% है। अब देखो इन्होंने पूछा है कि स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से। देखो P इज द सेकंड टू द राइट ऑफ T, ठीक है, तो P है वो आपके T के राइट में बैठा सेकंड नंबर पे, तो आपका जो T है उसके राइट में सेकंड नंबर पे कौन है आपका P है, ठीक है। आगे बोला है इन्होंने Who is the neighbor of R and V, तो जो आपका T है वो नेबर है आपके R और V का, तो ये अपने को कंफर्म नहीं है कि R कहाँ पे है और अभी V कहाँ पे, तो हमने दोनों को रख लिया। आगे बोला है S is not the neighbor of P, जो आपका S है वो यहाँ पे कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने बोला कि S जो है वो आपका नेबर नहीं होगा, किसका, P का नेबर नहीं होगा। आगे बोला है V is the neighbor of U, तो V जो है वो U का नेबर है, तो अगर अपना V यहाँ पे होगा तो इसके नेबर आपके P और T होंगे, तो यहाँ पे तो V बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे V नहीं होगा, तो आपके पास कंफर्म हो गया कि आपका V यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर V यहाँ पे नहीं होगा तो आपका V इधर होगा और आपका R वहीं पे रहेगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे V आ गया। अब V का नेबर है आपके पास U, ठीक है, V का नेबर है U। आगे बोला गया है कि U इज नॉट बिटवीन S एंड W, जो आपका Q है वो S और W के बिटवीन कभी भी नहीं रहेगा, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। और आपके पास लास्ट में बोला गया है कि W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, तो आपका जो W है वो यहां पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसने बोला ना कि W आपका जो है U और S के बीच में W आपका यहाँ पे नहीं होगा, W इन दोनों में से कहीं पे होगा, और जब ने सेकंड लास्ट लाइन थी W इज नॉट बिटवीन U एंड S, और उससे पहले लाइन थी Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, ठीक है, तो यहाँ पे आपका W नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आपके पास पता है कि यहाँ पे आपका S नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका Q हो जाएगा, यहाँ पे आपका W हो जाएगा, और यहाँ पे आपका S बैठ जाएगा। अब आपने सारी कंडीशन चेक कर लो एक बार कि हाँ अपना सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो कंडीशन अपनी पहली थी कि P इज सेकंड टू द नेबर ऑफ T, ठीक है, तो देखो राइट में आपके पास T के राइट में कौन बैठा है, P बैठा है। आगे देखो T Who इज द नेबर ऑफ R एंड V, तो R एंड V का नेबर है T, आपके पास दिख रहा है। आगे बोला इसने कि S इज नॉट द नेबर ऑफ P, तो S जो है वो इसका नेबर नहीं है यहाँ पे। अगले लाइन अपनी कि V इज द नेबर ऑफ U, V जो है U का नेबर है अपने पास। आगे अपने पास बोला है कि Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q जो है S और W के बिटवीन, मतलब बीच में मध्य में नहीं है। आगे बोला है W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W इज नॉट बिटवीन U एंड S, यहाँ पे भी नहीं है। अब अपना क्वेश्चन है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, अपने को बताने हैं कि कौन कौन ऐसे, कौन से अपना ऑप्शन ऐसा है जो इसमें नेबर नहीं है। तो देखो आपके सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है R एंड V, तो देखो आपके R एंड V ये दोनों नेबर नहीं है, ठीक है, कंफर्म हो गया। आगे दिया हुआ है U एंड V, तो देखो U और V ये दोनों नेबर है आपके। आगे दिया हुआ है R एंड P, तो ये भी आपके नेबर है। और लास्ट में दिया हुआ है Q एंड W, तो देखो Q एंड W ये भी आपके नेबर है। तो इसमें पूछा यही है इन्होंने आपसे, क्वेश्चन यही पुटअप किया है कि आपको बताना कि कौन से जो है नेबर अपने ऑप्शन में नहीं है, तो आपके R एंड V जो है ये नेबर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास, देखो ये आपका क्वेश्चन है वोटर इमेज का। वोटर इमेज के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको कभी भी वोटर इमेज, मतलब जस्ट आपका जो दिया हुआ है, आपके पास जो भी अल्फाबेट नंबर कुछ भी दिया हुआ है, तो उसके जस्ट नीचे ही उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है जी आर 9 8 A P 7 6 E and S, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, अपने ऑप्शन देखो, और ऑप्शन में से जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये नहीं हो सकता, उसको हटा देंगे। जो अपने पास ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपके पास जी है, यहाँ पे दिख रहा है जी आपके पास बिल्कुल सही है, आर भी है, लेकिन यहाँ पे नाइन को इन्होंने क्या कर दिया, सिक्स कर दिया, जबकि अपने पास जो इस तरीके से आपका नाइन बनेगा, तो आपका ये तो हो ही नहीं सकता आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास दिया हुआ है जी आर और नाइन का सिक्स एट ए पी
देखो इन्होंने पी को सही है 7 6, अब देखो इन्होंने यहाँ पे 6 दिया हुआ है और इन्होंने 6 को वहां पे क्या लिख दिया 9 लिख दिया, जब ये आपके इस तरीके से नहीं आएगा ये आपका इस तरीके से आएगा ठीक है, तो आपका ये वाला भी आपका आंसर नहीं हो सकता ठीक है। अब आगे देखो आपके पास यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपके पास जी आर ठीक है, ये आपका 6 सही है, यहाँ पे 8 A P 7 और ये हमने बनाया था ये वाला आपको दिख रहा है ई और एस ठीक है, तो एस जो है आपके पास ये भी इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमने लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, तो देखो जी आर यहाँ पे देखो ये सही है आपका 8 A, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 8 को AGT जैसा का जैसा था वैसा का वैसा इन्होंने रख दिया, जब भी आपका जो ए होगा वो क्या हो जाएगा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा सी, या मतलब थर्ड आपका राइट आंसर होगा ठीक है। आगे चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आपके पास दिया हुआ है मिरर इमेज, आपको मिरर इमेज बनाना है, तो हम लोग बना के देख लेते हैं TARAIN 1014A, ये आपके पास दिया हुआ है, आपको पता है मिरर इमेज आपका यहाँ पे मिरर होगा और आपकी इमेज उधर बनेगी, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि जो आपके मिरर के सबसे पास में होगा वही अपने इमेज में सबसे पास में होगा ठीक है, और जो सबसे लास्ट में होगा वही इमेज में सबसे लास्ट में आएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे टी दिया हुआ है, तो आपको पता है कि टी जो है वो HT आपके मिरर इमेज में सेम टू सेम आएगा, ए भी आपका HT जाएगा, ए फिर आई भी HT जाएगा आपका ठीक है, ओ भी HT जाएगा और ये भी आपका HT जैसा है वैसा का वैसा ही आने वाला है। अब देखो आप लोग ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं, आपके पास पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया टी को यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यही यहाँ पे गलत हो गया ठीक है। अगला देखो यहाँ पे आपके पास ए दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, सॉरी आपके पास पहले यहाँ पे क्या आना चाहिए ए फिर फोर आना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया वन दे दिया, ये भी नहीं आएगा। अगले में देखो आपके पास दिया हुआ है इन्होंने A10, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे देखो आपके पास A4 और 1 आना चाहिए, तो यहाँ पास A4 और 1 आना चाहिए आपका, इन्होंने क्या दिया A1 और 0, तो ये भी आपका नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखो आपका इसमें आपके पास देखो पहले ए है फिर फोर है फिर वन है फिर जीरो फिर वन फिर एन फिर आई फिर ए फिर आर और फिर आपका ए और लास्ट में आपका टी, तो जो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका डी या फिर आप फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें देखो इसमें आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ठीक है, तो इसमें आपके पास बोला गया है कि 1 2 3, यह आपका जो कोड है वो है आपका ब्राइट लिटिल बॉल, ब्राइट लिटिल बॉल का कोड क्या है आपके पास 1 2 3 है ठीक है। देखो आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैंने आपको कुछ मतलब हमने देखो अभी तक 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, 17 क्वेश्चन पे हम लोग हो गए, तो आप लोगों को करना क्या है पहले क्वेश्चन को देखना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसके बाद जब मैंने इसको करवा दिया तो आपको फिर अपना मैच करना है ठीक है, और जिसका जो भी आंसर हो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है अपने नाम के साथ ठीक है। तो देखो अपने पास 1 2 3 किसका कोड है ब्राइट लिटिल बॉय का, अगला कोड आपके पास 1 4 5 और 1 4 5 जो आपका कोड है वो है टेल बिग बॉय ठीक है, तो फिर टाल बिग बॉय TALBIGBOY ये आपके पास है। लास्ट आपका है 637 और 637 जो आपका कोड है वो है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर ठीक है, ये आपका लास्ट का कोड है ठीक है, लास्ट अभी इसका कोड है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ये कोड आपके पास, ये आपके पास पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो अब आपको इन्होंने पूछा है कि ब्राइट का कोड क्या होगा ठीक है, आपके पास पूछा कि ब्राइट का कोड क्या होगा, तो देखो आपके पास यहाँ पे बॉय एंड बॉय यहाँ पे सिमिलर है, इन दोनों में कौन सा नंबर सिमिलर है, तो देखो यहाँ पे 1 and 1 सिमिलर है ठीक है, तो यहाँ पे आपका बॉय से बॉय कट गया और आपका 1 से 1 कट गया। आगे देखो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास ब्राइट है यहाँ पे लिटिल है, तो लिटिल यहाँ पे दिया हुआ एक लिटिल और यहाँ पे भी लिटिल है,
तो इन ये दोनों में सेम आ रहे हैं, तो आपके फर्स्ट और थर्ड में कौन सा कोड सेम आ रहा है? तो आपको देखो थ्री और आपका थ्री दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ पे लिटिल और यहाँ पे लिटिल सेम आ रहा है। हमसे पूछा गया है ब्राइट का कोड, तो देखो इन दोनों नंबर्स में, देखो आपके पास 1 2 3 कोड दिया हुआ था ब्राइट लिटिल बॉय का, तो आपके पास बॉय का कोड भी आ चुका और लिटिल का कोड भी आपके पास आ चुका। हमको किसका निकालना है? ब्राइट का निकालना है। तो आपके पास यहाँ पे एक ही कोड बचा हुआ होगा टू, ठीक है? तो आपके पास जो ब्राइट का कोड होगा वो आपका क्या होगा? टू इसका कोड हो जाएगा, और आपका राइट आंसर जो होगा वो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने आपका क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इन सब में से जो डिफरेंट है आपको वो चूज करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेट, ठीक है? तो डेट, ठीक है, डेट डे ये दोनों सेम सेम है, अब से नाम ही चेंज है किस डेट में किस डे में, ठीक है? तो ये सभी किस में आते हैं? आपके मंथ में आते हैं। डेट एंड डे किस में आते हैं? आपके मंथ में आते हैं। और डेट डे एंड मंथ ये सभी आपके ईयर में आते हैं, और ईयर जो है वो आपके किस में आता है? कैलेंडर में आते हैं। तो आपका जो सबसे डिफरेंट होगा यहाँ पे वो आपका ए ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सबसे डिफरेंट इसमें कौन सा है? कैलेंडर इसमें सबसे डिफरेंट। हाँ तो देखो अब अपना क्वेश्चन 19 नंबर, जिसमें आपके पास बोला है, देखो आपके पास डायरेक्शन दिया हुआ, तो हम लोग डायरेक्शन लिख लेते हैं अपने पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, आपके पास दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, तो आपकी जो साउथ ईस्ट है आपकी ये वाली है, इसको उन्होंने क्या बोला है? नॉर्थ बोला है, ठीक है? इन्होंने इनको नॉर्थ, ठीक है? आगे आपके पास देखो, आगे पास दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है इन्होंने आपको वेस्ट इंडिकेट किया है, ठीक है? यहाँ पे इसको वेस्ट इंडिकेट किया है। तो हम लोग यहाँ पे आपके पास जो होगा, इन्होंने क्या किया? राइट से लेफ्ट की ओर हमारा एंटी क्लॉकवाइज उन्होंने क्या किया? इसको घुमाया। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉर्थ और वेस्ट होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या लेंगे? साउथ लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे आपका वेस्ट और साउथ है, तो इसको आपने अपने पास क्या बचा? ईस्ट। तो इसको क्या आएगा अपने पास? ईस्ट आ जाएगा, ठीक है? अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बिकम, सॉरी इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल वेस्ट बिकम, ठीक है? व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो हम लोग वेस्ट को यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखो ये आपका वेस्ट है, ठीक है? तो ये आपके साउथ और ईस्ट के मिड में आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका सी जो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है? आगे चलते हम लोग, अपना क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो आपके पास सीरीज दिया, जो ब्लैंक दिया और आपको पता लगाना है कि वहां पे क्या आएगा। तो देखो मैं इनको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? ये आपके पास यहां पे सीरीज दी हुई है, तो आप लोग यहां पे देखो कि यहां पे डबल ए, ए के बाद में आपका बी आ रहा है, तो आपको देखना है कि जहां पे आपके पास ए ए दो बार आ रहे हैं, तो हम लोग उसके लास्ट उसके आगे हम लोग क्या रखें? बी नोट कर लेंगे। तो अपने पास क्या आ गया? ए ए बी हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखो आपके पास यहाँ पे बी बी, आपके पास दो बार बी आ रहा है, उसके बाद में आपके ए आ रहा है, उससे पहले भी ए आ रहा है, तो अपने पास देखो यहाँ पे डबल बी है, तो यहाँ पे भी आपका ए आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका ए आ जाएगा। अब देखो आपके पास डबल ए से पहले आपका क्या आएगा? डबल ए से पहले भी आपका बी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? और डबल ए से पहले भी आपका बी आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? इनके पेयर बना लेंगे, ठीक है? ये हमने इसके पेयर बना लिए, चार चार के हमने पेयर बना लिए इसके। अब देखो इसके फोर फोर के पेयर बनाए, तो आप लोग इसको मैच कर लो। आपके पास आ रहा है बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी, तो आपको पता लगाना है कि इसमें से आपका जो है राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो हमने इसमें ऐड किया, ठीक है, देखो हमने बी लिखा यहाँ पे, ब्लैंक था यहाँ पे, यहाँ पे भी बी हमने पुट किया। आगे आपके पास दिया हुआ है, तो देखो हमने फर्स्ट फोर और जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे सेवन नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो सेवन नंबर पे कौन सा आ रहा अपना? 1 2 3 4 5 6 7, सेवन पे आपका ए आ रहा है, ठीक है? हमने इसको लिखा। अब ऐसा आपके पास देखो किसी किस ऑप्शन में है जो आपको मिल रहा है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही आपके पास है, तो आपका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पे आपका सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अपने 21 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ तो देखो इसमें आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में इनको क्या करना है, इनको अपने को बिठाना है। तो देखो सब इसमें देवा पुलिस पनिशमेंट क्राइम जज और जजमेंट, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई क्राइम ही नहीं किया और आपको पुलिस पकड़ के ले जाए और आपको ना जो पनिशमेंट दे दे। तो सबसे पहले तो आपने कोई क्राइम किया होगा तभी आपको पुलिस अरेस्ट करेगी,
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, क्राइम आएगा। क्राइम होने के बाद कौन आएगी, पुलिस। पर पुलिस क्या करेगी, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। उसके बाद में पुलिस क्या कर, पुलिस का काम है कि वो जिसने भी क्राइम किया है, क्रिमिनल है, उसको जज के सामने लेके जाएगी। तो ये लोग उसके जज के सामने लेके गए, फिर जज ने क्या किया, जज ने उसकी सारे सब कुछ सुना और उस पर उसके दिया जजमेंट दिया। तो यहाँ पे आपका जजमेंट आ गया, और जजमेंट में फिर उसके बाद में उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आप लोग चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आपका, तो देखो ये आपका 3, 1, 4, 5, 2 ये आपका लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन है, और यही आपका राइट आंसर हो गया। आगे चलते हम लोग, अपना 22 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है कि arrange the given word in alphabetical order and choose the one that come first। आपको ये बताना है कि इनमें से alphabetical order में इनको आपको ना सेट करना है, बताना कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में सभी में एस दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे तो हम लोग कंफर्म कर नहीं पाएंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा। सेकंड अपने जो दिया हुआ उसमें आपका सी दिया हुआ, और सभी में सी है तो इससे भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड में चलो आपके पास यहाँ पे आई दिया हुआ है, आर 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 और आर, आपके पास यहाँ पे 4 में आर दिया हुआ और 1 में आपके पास 1 में आई दिया हुआ है। तो आप देखो, आप सभी को पता है कि अल्फाबेट हम लोग देखते हैं तो आई आता है वो आपका 9 नंबर पे आता है, और आर आता है आपका 18 नंबर पे आता है। सबसे पहले आपका कौन आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो आपका जो इसमें से जो ऑप्शन होगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आपको कौन आएगा, यहाँ पे साइंस जो होगा फर्स्ट नंबर पे आएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो आपके पास में एबीसीडी दी हुई है पूरी, जिसमें आपको मतलब अल्फाबेट पूरा दिया हुआ है, और इसने पूछा है कि विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू इन द गिवन अल्फाबेट। ये जो आपके पास अल्फाबेट दिया हुआ है इसमें जो आपका जी और क्यू है, तो उन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये रहा जी और ये आपका है क्यू, तो हम लोग काउंट करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 यहाँ पे आपके पास इन दोनों के मिड में, ठीक है, टोटल 9 अल्फाबेट है। तो आपको देखना है कि बिल्कुल मिड में कौन सा आएगा, तो हम लोग किधर से भी दोनों साइड से हम लोग 5 नंबर पे जो आएगा मिड में आएगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो आपका जो एल है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपना 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो आपसे पूछा गया है, ये आपका यहाँ पे एक्स है 1, 2, 3 एंड 4 इसमें पूछा है कि फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। इन्होंने पूछा है कि जो ये आपके पास एक्स वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये आपके इन चारों में से कौन से पार्ट में होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको वन बाय वन करके चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ है इसको बना के देखेंगे हम लोग, यहाँ से लाइन ली ये यहाँ से, और इसको घुमा के हम लोग वापस लेके आएंगे, तो ये आपके पास बन रहा है जैसा आपके पास एक्स दिया हुआ है वैसा वैसा अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में बन रहा है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसको समझाने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो आप लोग इसको देखो। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है एम परसेंटेज एन, ठीक है, एम परसेंटेज एन दिया हुआ है, और इसमें बोला गया है इन्होंने कि एम इज द सन ऑफ एन, एम इज द सन ऑफ एन, ओके। आगे आपके पास बोला गया है कि एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन, और इसमें बोला गया है कि M is the sister of N. M is the sister of N. M is the sister of N. ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, जिसमें आपके पास दिया हुआ है N dollar N, और इसमें आपके पास बोला गया है कि M is the father of N. ये आपका कौन है? M जो है father है किसका? N का। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और आप लोग इसका आंसर निकालो, फिर उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने के बाद फिर आप लोग इसको जो कंटिन्यू करके उसको देखना है। लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको किस तरह से आएगा। इन्होंने आपसे पूछा है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द रिलेशन दैट सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई।
जो आपकी सी है वो किस ई की ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, ये आपका कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इसको बताएगा। तो देखो इसमें किस तरह से होगा आपके पास, सबसे पहले तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखो आपके पास जो सिस्टर का है, मेल और फीमेल का जो इंडिकेट किया हुआ है आपके पास किससे है, एट द रेट से है, एट द रेट से मेल का इंडिकेट किया हुआ है, बाकी सब में यहाँ पे सॉरी फीमेल का जो इंडिकेट किया हुआ आपके एट द रेट से किया हुआ है, बाकी सब में देखो इसमें भी आपके पास सन है, मतलब ये आपका कौन है, मेल है, या आपकी ये फीमेल है, और बाकी ये भी आपका फादर है, तो ये भी आपका क्या हो गया, मेल हो गया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपके पास एड्रेट दिया हुआ है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पास आपके पास एड्रेट दिया हुआ है वो, और वो है आपका सी ऑप्शन। तो आपका इसका आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन इसको करेंगे कैसे वो देखो मैं आपको बता देता हूं। इधर देखो ये आपका फादर है, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो सी देखो एट द रेट बी, तो सी जो है देखो यहां पे बोला गया एम एट द रेट एन, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, तो सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी इज द सिस्टर ऑफ बी। आगे बोला गया है बी परसेंटेज एफ, तो देखो यहां पे दिया हुआ है तो बी इज द सन ऑफ एफ, बी इज द सन ऑफ एफ। लास्ट दिया हुआ आपके पास एफ परसेंटेज ई, तो एफ इज द सन ऑफ ई, एफ इज द सन ऑफ ई। तो देखो यहां पे आपके पास है कि ई का सन है एफ, एफ का सन है आपके पास बी, और बी की सिस्टर है कौन आपकी सी, बी की सिस्टर है कौन सी। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये भी आपका मेल हो गया, ये भी मेल हो गया, और ये भी आपका मेल हो गया, और ये आपकी फीमेल हो गई। तो इससे पता चल गया आपको कि जो ई है वो आपके पास सी का, या तो आप बोल सकते हो ग्रैंडफादर, जो आपका ई है वो सी का क्या है, ग्रैंडफादर है, या आप बोल सकते हो जो सी है आपकी, ठीक है, जो आपके पास सी है वो ई की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके हमने 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन को भी केयरफुली समझना है, देखना है, और आपको जो हमने अभी जो अपना लाइव ना चला था सुबह, तो उसको सभी के साथ शेयर करना है, और जितने ज्यादा हो सके जितने आपके फ्रेंड है सभी को, सभी ग्रुप में आपके पास व्हाट्सएप जो भी है सबके साथ शेयर करो, और जितना ज्यादा उसका प्रॉफिट आप ले सकते हो उतना आपको लेना है। ठीक है।